चीन में होने वाले एशियन गेम्स का आगाज जल्द ही हो सकता है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया की स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया गया है इस टीम का। लेकिन एशियन गेम्स से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है, वो खबर ये है कि भारतीय टीम सीधा एशियन गेम्स में क्वार्टर फाइनल खेलेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि सारी टीमें जो है वो स्टार्टिंग से खेलेंगी और भारतीय टीम सीधा क्वार्टर फाइनल खेलेगी। एशियन गेम्स में भारत को टॉप रैंकिंग की टीम होने का लाभ मिलेगा। सभी टीमों को 1 जून 2023 तक आईसीसी टी20 इंटरनेशनल के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। पुरुष टूर्नामेंट में कुल 18 टीमें हिस्सा लेंगी और इतने ही मैच खेले जाएंगे। यहां झेजियांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के क्रिकेट मैदान पर सभी मैच होंगे। भारतीय टीम को रैंकिंग के आधार पर सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिलेगी। सितंबर अक्टूबर में होने जा रहे एशियन गेम्स का शेड्यूल विश्व कप के बीच में भी पड़ रहा है। ऐसे में बीसीसीआई ने इसके लिए बी टीम का चयन किया है। टीम में रिंकू सिंह, प्रभसिमरन सिंह और शिवम दुबे जैसे सितारे हैं। तो ये वजह थी कि इंडियन टीम सीधा एशियन गेम्स में क्वार्टर फाइनल खेलेगी। आपको बता दें कि एशियन गेम्स में 2010 और 2014 में भी क्रिकेट को शामिल किया गया था। ऐसे पहली बार नहीं हो रहा है कि जब पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया एशियन गेम्स में, 2010 और 2014 में भी शामिल किया गया था, लेकिन बीसीसीआई ने टीम को 2010 में भी नहीं भेजा था और 2014 में भी नहीं भेजा था। ऐसा पहली बार होगा जब इंडियन टीम एशियन गेम्स में हिस्सा लेगी, इंडियन क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में हिस्सा लेगी, ऐसा पहली बार होगा। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है एशियन गेम्स के लिए कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।